जिस तरीके से मरीजों का अंबार गिदम अस्पताल पर लगा हुआ है, तो देखने वाली बात अब ये होगी कि क्या प्रशासन या स्वास्थ्य अमला इन बीमारियों से निपटने में कब तक कामयाब हो पाता है। एक्सप्रेस रिपोर्टर पंकज सिंह भदौरिया, दंतेवाड़ा। गिदम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों का अंबार लगा हुआ है। मौसमी बीमारियों में मलेरिया से पीड़ित स्कूली बच्चों से लेकर ग्रामीण लगातार गिदम अस्पताल में पहुंच रहे हैं। आलम यह है कि एक एक बेड पे तीन तीन मरीजों को शिफ्ट किया जा रहा है। गिदम ब्लॉक के दूर दराज कोटा केबिन आश्रमों के बच्चे सबसे अधिक मलेरिया से पीड़ित होकर इस अस्पताल में पहुंच रहे हैं। ओपीडी पर की महज तीन घंटे में 197 तक पहुंची हुई थी। इधर रोजाना 250 से ऊपर मरीज गिदम अस्पताल में लगातार पहुंच रहे हैं, जिसके चलते अस्पताल की व्यवस्था डगमगाती गई है। मरीजों के वार्डों में ग्लूकोज की खाली बाटलों तक को फेंकने की फुर्सत अस्पताल प्रबंधन के पास नहीं है। मौसमी बीमारी का कहर इस कदर क्षेत्र में छाया हुआ है कि गिदम के अस्पताल में एक एक बिस्तर पर तीन तीन मरीजों को लेटाकर इलाज करना पड़ रहा है।